देखिए श्रीमान राहुल गांधी जी, ये पहली बार नहीं, सनातन के संतानों को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। हिंदू धर्म पर कई बार वो प्रश्न उठाते हैं। इनके इंडी गठबंधन के लोग समय समय पर तुष्टीकरण की मानसिकता से वो राजनीति करते हैं। आज हिंदू को हिंसावादी कहकर के भारत माता के आत्मा को चोटिल किया है। ये व्यक्ति मां भारती के संस्कार और संस्कृति को नहीं समझता है। अगर जो हिंदू और सनातन नहीं होता, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कोई करता है तो वो सनातन का संतान करता है। आज सर्व धर्म संभाव का भाव नहीं रखता तो वो उनकी माता इटली से भारत नहीं आ पाती और भारत के संस्कार और संस्कृति से जुड़ नहीं पाती। ये मानसिकता सनातन और हिंदुओं को अपमानित करने का श्रीमान राहुल गांधी जी आप छोड़ें। एक तरफ राजद के लोग कभी सनातन के संस्कृति पर रामचरितमानस पर प्रवचन देंगे तो दूसरी तरफ करुणानिधि जी का हिंदू को किस तरह से जहर बताएंगे। ऐसी मानसिकता कहीं न कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के संतानों को लज्जित कर रहा है। एक खास धर्म संप्रदाय के लोगों के प्रति इस तरह की भावना घोर निंदनीय है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे हम तो सबको लेके चलने वाले हैं, संविधान निर्माताओं के भावनाओं के अनुकूल हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, लेकिन संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि अपने धर्म को गाली दो और अपमानित करो। और आप हिंदू कैसे हो सकते हो? कैसे हिंदू हो जो अपने ही धर्म को अपमानित करते हो, हिंदू को हिंसावादी बताते हो? और आज हिंदू ही है तो देश के अंदर हर धर्म का लोग निवास कर रहा है। अरे ये भाई बहन की जोड़ी जब एक गलती करेगा तो दूसरा उसको निपने पोतने का काम करेगा। क्षमा मांगे सदन में कि मैं हिंदुओं के प्रति ऐसा नहीं बोला हूं। सदन के अंदर उठ करके क्षमा मांगे और कहे कि हिंदुओं के प्रति मेरी ऐसी भावना नहीं है। और हम हिंदू हैं, हिंदू के संस्कार और संस्कृति को खुल के स्वीकार करते हैं। है हिम्मत, ये कभी जनउआ पहनेंगे, कभी टीका लगाएंगे, कहीं पर जनउआ उतार के फेंक देंगे, टीका को मिटा देंगे, सनातन को किसी न किसी अलग अलग माध्यम से अपमानित कराएंगे। ये झूठी धर्म निरपेक्षता की भावना और तुष्टीकरण की राजनीति में सनातनों को कलंकित करने का काम करते हैं। माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? निश्चित तौर पर राहुल गांधी को भरे सदन में माफी मांगनी चाहिए। जब लोगों ने इनका क्रिटिसाइज शुरू किया, चोट करने लगा तो बहन आ गई, कभी माताजी आ जाएंगे, कभी अपने कहेंगे कि हम तो समझ नहीं पाए थे, जो स्क्रिप्ट लिख के दे दिया था हम वो पढ़ दिए। दुर्भाग्य है इस देश का कि एक नेता प्रतिपक्ष ऐसा व्यक्ति बना है जो अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग नहीं करता है। जो लोग स्क्रिप्ट लिख के देते हैं बिना सोचे समझे पढ़ देते हैं, और वही हाल बिहार में भी है। यहाँ का भी नेता प्रतिपक्ष वही खेल करते हैं। ये पप्पू और अप्पू का जो एक चलता था कार्टून, वही कार्टून का रोल दिखाई पड़ता है जो कहीं न कहीं विपक्ष के पद की गरिमा को गिराता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।